बॉम्बे का नक्शा बदलने वाला है, बॉम्बे का नक्शा बदलने वाला है, बॉम्बे का नक्शा बदलने वाला है। फुटपाथ ही रहता है, फुटपाथ ही रहता है। वो हर काम किया जो सर किसी कमांडर ने कभी नहीं किया। किताब उसी के पास है, अपने लड़कों को भेजो और जहां भी हो उसे उठा कर लेके आओ। इससे पहले लोग हम पर उंगली उठाना शुरू करें, उनमें एक भी जर्दा नहीं बचना चाहिए। ये रुपया पैसा तो हाथ का मैल है रे, मौत का मृतक बसता है। मैं आपका तो KGF 2 के बाद रॉकी भाई की नेक्स्ट मूवी का हम सभी लोग बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और KGF 2 को रिलीज हुए काफी समय हो चुका है, लेकिन अब ये इंतजार खत्म होता है। रॉकी भाई की नेक्स्ट मूवी की अनाउंसमेंट हो चुकी है और इस मूवी का नाम होने वाला है टॉक्सिक, और इस फिल्म को लेकर के काफी समय से बातें चल रही थी, लेकिन अभी तक के मेकर्स की तरफ से इस फिल्म का ऑफिशियल टीजर तो देखने को नहीं मिला, लेकिन अब खबरें आ रही है कि बहुत ही जल्दी इस फिल्म का हमें ऑफिशियल टीजर देखने को मिलने वाला है। वही बात करें इस फिल्म की कास्टिंग की, तो मेन रोल में तो हमें यह देखने को मिलने वाले हैं, और इन्हीं के साथ साथ इस फिल्म में हमें बॉलीवुड के महान एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी देखने को मिलने वाले हैं, और ये दोनों के साथ साथ इस फिल्म में हमें साउथ की तरफ से और भी कई बड़े सुपरस्टार देखने को मिलने वाले हैं। वहीं बात करें इस फिल्म की एक्ट्रेस की, तो इस फिल्म में हमें दो बड़ी ब्यूटीफुल एक्ट्रेस देखने को मिलने वाली है, पहली साई पल्लवी, दूसरी करीना कपूर। और वहीं बात करें इस फिल्म के डायरेक्टर की, तो इसे साउथ के जाने माने डायरेक्टरों में से एक जीतू मोहनदास के डायरेक्शन में बनाया जा रहा है। वहीं बात करें इस फिल्म की रिलीज डेट की, तो ये फिल्म हमें इस साल तो देखने को नहीं मिलने वाली, क्योंकि ये फिल्म एक काफी बड़े बजट की फिल्म होने वाली है। ये फिल्म हमें अगले साल 10 अप्रैल को सिनेमा हॉल्स पर देखने को मिल जाएगी, यानी कि अभी इस फिल्म के लिए हमें लगभग 1.5 साल का लंबा इंतजार करना पड़ेगा। पर एक बात तो पक्की है, ये फिल्म यश की काफी बड़ी और काफी धमाकेदार होने वाली है, और इसी के साथ साथ इस फिल्म में एक्शन काफी धमाकेदार लेवल पर दिखाया जाएगा। और अब तो देखना तो ये होगा कि यश की ये पिक्चर बॉक्स ऑफिस पर कौन सा नया रिकॉर्ड तैयार करती है। वहीं बात करें इस फिल्म के बजट की, तो इस फिल्म का बजट काफी बड़ा होने वाला है, क्योंकि पहले तो इस फिल्म की कास्टिंग बड़ी है, दूसरा ये फिल्म एक एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है, तो इसीलिए इस फिल्म का बड़ा बजट होना तो लाजमी है। वही आपको बता दें कि उम्र सारे है कि इस फिल्म का बजट लगभग 200 से 250 करोड़ का होने वाला है। दोस्तों अब तो देखना तो ये भी होगा कि रॉकी भाई इस फिल्म में हमें एक्शन किस लेवल का दिखाते हैं। पर दोस्तों ये फिल्म रॉकी भाई की है, तो इस फिल्म में एक्शन काफी ज्यादा हाई लेवल का होगा। और दोस्तों अब तो देखना तो ये होगा कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कौन सा नया रिकॉर्ड तैयार करती है। के साथ दोस्तों हमारी आज की वीडियो यही पे खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।